कट ऑफ की बात बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 35 नंबर क्या है। भाई 35 नंबर से कुछ नहीं होना है, 35 नंबर अगर तुम्हारा आ जाता है तो तुम टायर 2 में एलिजिबल हो, लेकिन तुमको फाइनल सिलेक्शन के लिए भाई कम से कम 60 नंबर तो लाना ही लाना है। तो आप लोग कृपया करके कट ऑफ के लिए परेशान मत रहे, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा मैं एक सिंपल कट ऑफ निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कट ऑफ तभी निकल सकता है जब पता चलता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोगों ने एग्जाम दिया। लेकिन ना ही आपको ये पता चल रहा है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ना ही आपको ये पता चल रहा है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, फिर भी मैं एक एवरेज कट ऑफ निकालने की कोशिश करूंगा। एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद ही मैं तुरंत आपको टायर 2 के लिए बताना स्टार्ट करूंगा कि टायर 2 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और इंटरव्यू के लिए तैयारी अभी से कैसे करनी है। उसके लिए मैं एक स्पेशल बैच बनाऊंगा, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जितने लोगों का सिलेक्शन होगा प्री में मैं उन लोगों को एक स्पेशल बैच बनाऊंगा और उनको मैं गाइड करूंगा कि इंटरव्यू में क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उससे जुड़ जाना, सीजर एलेक्सी भाई के। और भाई नमस्कार, आशा कर रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक ही हो गई होगी, क्योंकि शौक तो मिल ही गया है, बट ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 दिन बचा हुआ है एग्जाम में, 2 दिन में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का हम जितना कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि जीके का आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा वहां पे, हो सकता है डिसाइडिंग फैक्टर वहां पे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको जीके और जीएस के लिए, इन टॉपिक्स को 100% आप कर लीजिए। जो किताब मैंने आपको बोली है मनोहर पांडे की, जो आपको जीके के टॉपिक्स होंगे उसमें मिल जाएंगे, और जीएसटी जो आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स है, वो आपको यूट्यूब से करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कहां से करना है। चलो सबसे पहले करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करना कैसे, करंट अफेयर्स में सबसे पहले तुम्हें देखना है बजट। बजट डालो यूट्यूब पे, कोई भी चैनल में कंप्लीट दिया होगा, स्पेशली क्रेजी जीके ट्रिक्स है वहां से तुम्हें बजट का 100% वो डाला होगा ट्रिक वाइज, तो तुम वहां से देख लो बजट को, बजट देखना है। दूसरा चीज देखना है कोई अवार्ड, अगर अवार्ड फंक्शन हुए पिछले कुछ 3-4 महीने में उसको देख लो। तीसरा देखना है नोबल प्राइज, नोबल प्राइज किसको किसको किस सब्जेक्ट में किसको किसको नोबल प्राइज मिला है, नोबल प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था। स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है लास्ट 4-5 महीने में, स्पेशली जो टेनिस होता है, मिक्स डबल्स, मेन डबल, वुमेन डबल, सिंगल्स, जो सारे स्पोर्ट्स के टेनिस के जो होते हैं, टेनिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो टेनिस के बारे में देख लेना कौन जीता है टेनिस वाला। जो रेस होती है कार वाली रेस जिसको F1 रेस बोलते हैं, उसके बारे में देख लेना, ग्रैंड प्रिक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखना है आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच होती है ये देख लेना, लेटेस्ट कौन सी हुई है। और सबसे मेन है जो पिछले 3 महीने का मैं PDF डालूंगा थोड़ी देर में, स्टडी आईयू का बेस्ट 300 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला जुला के 600 सवाल के आसपास होंगे, 600 सवालों को आपको कंप्लीट कर लेना है, लास्ट के 3 मंथ का है ये, आपको कंप्लीट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको इतना तो कम से कम करके जाना कि 20 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 तो करके आओ ही आओ, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की, जीके आपको क्या करना है, जो मनोहर पांडे की आपको छोटी सी किताब दी है ना मैंने, उससे आपको जीके करना कैसे है, या यूट्यूब का भी सहारा आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स बस पढ़ने, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टॉपिक आपको रिवर्स, भारत में जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, भारत में जो माउंटेन्स हैं जो पहाड़ हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, कौन सबसे ऊंचा है कौन सबसे छोटा है, नॉर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, साउथ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, वेस्ट का कौन सा है, ठीक है। नदियों के बारे में सारा पढ़ लीजिए, पहाड़ों के बारे में सारा पढ़ लीजिए, दर्रा जिसको पासेस बोलते हैं, दर्रा जो दो पहाड़ों के बीच होता है ना, दर्रा पासेस, उसके बारे में देख लीजिए कौन सा पास किस स्टेट में मिलता है। नेशनल ज्योग्राफी जो पार्क होते हैं सब, कौन सा पार्क कहाँ पे है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल फॉरेस्ट आपका गुजरात में है, तो ऐसे ऐसे चीजें जो है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में आपको मुगल सल्तनत देख लीजिए, मुगल सल्तनत कंप्लीट पढ़ लीजिए एक बार, छोटा सा ही है, कुछ है नहीं ज्यादा, 4-5 उसमें राजा है उसके बारे में पढ़ लीजिए, कौन सी लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जो कौन सी लड़ाई किस सन लड़ी गई थी इसको देख लीजिए उसमें से, ठीक है। चुन चुन के ऐसा नहीं पूरा हिस्ट्री पढ़ना, चुन चुन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लड़ाई आपको दिख रही है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, 1526 की, 1530 की, 1764 की, ये सारी लड़ाइयां देख लीजिए। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ लो अच्छे से, छोटा छोटा सा टॉपिक है, बुद्ध कब जन्मे कब मरे क्या हुआ कैसे किए, जैनिज्म का भी सेम थिंग ऐसे ही देख लो कैसे कैसे हुआ है। उसके बाद मूवमेंट्स, हिस्ट्री के जो मूवमेंट्स हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट को, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, साइमन वापस जाओ मूवमेंट, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है आजादी के समय के, इन सारे मूवमेंट्स को एक बार देख लो, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स देख लो, केमिकल्स के साइंटिफिक नेम्स, फ्रूट्स के जो इंपॉर्टेंट कुछ है, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, इन सबके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जानवरों के कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, स्पेशली जो कुत्तों का ब्रीड होता है, अलग अलग ब्रीड होते हैं कुत्ते की, सारी चीजें थोड़ी सी देख लो, क्योंकि सारी चीजें वो पूछते हैं। बिल्कुल भी अब टेंशन मत लो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने जैसे बताया था कि आपको एग्जाम कैसे देना है, जाके कैसे वहां बैठना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, दिमाग के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिमाग को ऑक्सीजन बढ़ेगा, दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा, दिमाग काम करेगा, जैसे मैंने बताया है तुम्हें कि तुम्हें कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना है वहां पे एग्जाम में, वैसे ही बिल्कुल अटेम्प्ट करना, परेशान मत होना, पैनिक मत होना, किसी क्वेश्चन में फंसना मत, एक बार में अगर सवाल नहीं बनता है तो उसको छोड़ देना, दिल से नहीं लगाना कि नहीं इस क्वेश्चन को तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, आगे बढ़ना है, जो सवाल आ रहा है 100 में से अगर 50 सवाल भी आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको करना है, उसके बाद फिर जो समय बचता है उसके बाद उसको करना, ठीक है। ज्यादा समय खराब नहीं करना है, आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, माउस और कीपैड अपना चेक कर लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेपर को फोल्ड कर लेना रफ सीट, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में था तुमने कर लिया, अब जो तुम्हारे किस्मत में होगा वो होगा, तुम्हारी मेहनत जो होगी होगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मैं इतना अभी देखिए ऑफिस से आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा तो अप्रिशिएशन करिए आप भी, थोड़ा सपोर्ट मुझे भी करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।